दोस्तों, कुदरत ने हर किसी जीव को कुछ न कुछ खासियत तो जरूर दी है, जिसके कारण वो उसको एक हथियार के रूप में यूज करता है। कभी वो दूसरे जीवों से बचने के लिए उसका उपयोग करता है, तो कभी अपने जाल में किसी को फंसाने के लिए। दोस्तों, ऐसे ही कुछ जीव नेचर में मौजूद है जो अपने हंटिंग स्किल के लिए जाने जाते हैं। ये नेचर के अंदर फूड साइकिल में सबसे ऊपर के पायदान पे है। परंतु आज हम आपको 7 फास्टेस्ट कैट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रेट एनवायरनमेंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ऑन कर दे। लियोपार्ड। दोस्तों, लियोपार्ड आमतौर पे अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। आप शायद इस बात से ना खुश हो सकते हैं कि आज धरती पर इनकी संख्या काफी ज्यादा कम है। और इतना ही नहीं, इनकी संख्या लगातार घट रही है। लगातार पशुओं के शिकार के कारण मानवों ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ये आज रेड लिस्ट में है। बिल्लियों की प्रजातियों में लियोपार्ड 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। स्नो लियोपार्ड। दोस्तों, हिम तेंदुआ ये मूलतः मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतों पर पाए जाते हैं। IUCN ने स्नो लियोपार्ड को रेड लिस्ट में डाला है। इनकी संख्या आज पूरी दुनिया में लगभग 10,000 है, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि 2040 तक इनकी संख्या में लगभग 10% की गिरावट आ सकती है, जिसका कारण अवैध शिकार और बुनियादी ढांचा है। ये पूर्वी अफगानिस्तान, हिमालय और तिब्बत पठार से लेकर दक्षिण साइबेरिया, मंगोलिया और पश्चिमी चीन तक फैले हुए हैं। बिल्लियों की प्रजातियों में स्नो लियोपार्ड 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। टाइगर। दोस्तों, बाघ बिल्लियों की प्रजातियों में सबसे बड़ी बिल्ली है। ये अपने हंटिंग स्किल के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। दूर दूर से आए लोगों के लिए बाघ एक आकर्षण का केंद्र रहता है, जिसे हर कोई अपने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करना चाहता है। पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित करने वाला बाघ बिल्लियों की प्रजातियों में लगभग 49 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। कूगर। दोस्तों, कूगर बाकी सभी बिल्लियों की तरह मांसाहारी होती है। ये पूरी दुनिया में कूगर, पूमा, माउंटेन लायन के नाम से जाने जाते हैं। ये मूल रूप से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह अकेले ही रहना पसंद करते हैं। बिल्लियों की प्रजातियों में कूगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। जगुआर। दोस्तों, जगुआर पूरी दुनिया में खतरनाक से खतरनाक शिकारी जीवों के शिकार के लिए जाने जाते हैं। यह अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाति है। इसके शक्तिशाली दांत इसे दूसरे जीवों का शिकार करने के लिए मदद करते हैं। ये भी दूसरी बिल्लियों की तरह मांसाहारी होते हैं। बिल्लियों की प्रजातियों में जगुआर 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। लायन। दोस्तों, लायन जिसे जंगल का राजा भी माना जाता है, यह अच्छे शासक होने के साथ साथ एक बेहतरीन शिकारी भी होते हैं। ये प्राइड में ही रहते हैं और प्राइड में ही शिकार करते हैं। आज पूरी दुनिया में शेर केवल अफ्रीका और एशिया में भारत के गुजरात राज्य में ही पाए जाते हैं। हर साल इन शेरों को देखने के लिए काफी दूर दूर से पर्यटक आते हैं। बिल्लियों की प्रजातियों में शेर दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाति है। यह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। चीता। दोस्तों, चीता बिल्लियों की प्रजातियों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जिसका उपयोग ये शिकार के लिए करता है। चीता अफ्रीका के मैदानी फॉरेस्ट में रहता है। बढ़ते अवैध शिकार के कारण चीता की संख्या लगातार कम हो रही है। इनका शरीर काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जो इसे रफ्तार पकड़ने में मदद करता है। एक चीता लगभग 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पसंद आया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।